हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी, खुशी मेरे को और से वेलकम टू माय चैनल। देखिए ये है निव्या सॉफ्ट और आज मैं करने वाली हूँ इस तरीके का मेकअप जो मुझे काफ़ी जो बच्चे हैं लड़कियों की मेरे पास कॉल आ रही है कि जैसे उन लोगों को देखने के लिए आते हैं लड़के वाले, तो हम लोगों को किस तरीके से उनके सामने प्रेजेंट होना चाहिए और मेकअप इस तरीके का करना चाहिए कि मतलब मेकअप दिखाई ना दे। और क्या है मेरे पास ना सांवली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो देखिए मैं इनकी डस्टी स्किन है उसी के ऊपर इनके ऊपर मेकअप करके आपको दिखा रही हूँ। तो आज मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को ये बताने की कि आप किस तरीके से जब कोई आपको देखने के लिए आए, मतलब लड़का देखने के लिए आ रहा है आप लोगों को, उस टाइम पे आप किस तरीके से। तो देखिए बहुत लिटिल बिट हम लोग मॉइस्चराइजर लगाएंगे। इनके फेस का मैंने CTM कर दिया था। CTM क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। अगर आप घर पे कभी भी कोई भी मेकअप कर रहे हैं तो CTM आपको क्योंकि घर पे ही करना पड़ेगा, तो CTM की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, उसमें मैंने सब कुछ आप लोगों को बताया हुआ है। तो आप अपने फेस पे अच्छे से पहले CTM करें, आप उस वीडियो को मेरी देख लीजिएगा, तो बहुत अच्छे से मैंने उसमें CTM का पूरा समझाया है। और देखिए इनके फेस पे काफ़ी दिन से कोई फेशियल वगैरह हुआ भी नहीं है, तो काफ़ी इनकी स्किन इस टाइप की हो रही है। बट क्या होता है जब हमें पता नहीं होता ना, कोई हमें देखने के लिए अगर आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि पहले की कोई प्रेपरेशन हो, तो आप एकदम से झटपट किस तरीके से तैयार हो सकते हैं उन लोगों को दिखाने के लिए। तो देखिए मैंने मॉइस्चराइजर इनकी स्किन पर लगा दिया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ये काम बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइजर आप कभी भी यूज़ करें तो 5 मिनट के लिए छोड़ दें, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। तो देखिए 5 मिनट इनकी स्किन को हो गए हैं और अब ये है मेकअप इन मोर का प्राइमर। ज़रूरी नहीं है कि अगर घर पे आप मेकअप कर रहे हैं तो आपको प्राइमर लगाना ज़रूरी है, अगर आपको मन करे तो लगाइए, आपके पास अवेलेबल हो तो लगाइए। वैसे ही मैं इनके लिंक सबके आपको दे दूंगी, और अगर आपके पास हो तो आप लगाइए, नहीं हो तो नहीं लगाइए, ठीक है। क्योंकि अब देखिए मॉइस्चराइजिंग हो चुकी है तो इतना ज़्यादा हमें कुछ इनके ऊपर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको अगर प्राइमर मन करे तो लगाइए, नहीं मन करे तो नहीं लगाइए। तो चलिए मैं थोड़ा सा लगा देती हूँ, अगर आप लोगों के पास हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि घर में है आपको वो चीज़ ओनली फॉर दिखाने के लिए करा जा रहा है। लेकिन अगर लगा देते हैं तो और थोड़ी सी हल्की सी फिनिशिंग आ जाती है, थोड़ा मेकअप जो है वो अच्छा लगने लगता है। तो इस तरीके से हम इनके प्राइमर लगा देंगे। तो प्राइमर लगा के भी हमें 5 मिनट छोड़ना है, तो अभी मैं प्राइमर लगा के छोड़ देती हूँ। तो देखिए मैंने 5 मिनट इनका प्राइमर लगा के छोड़ दिया है, और ये है क्रायलोन का 303। सब लोग मुझसे पूछते रहते हैं 303 क्या होता है। देखिए ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर देखिए अब आप इनकी स्किन को देखिए, इनकी स्किन यहाँ से बहुत ज़्यादा अनइवन है, डार्क सर्कल भी हैं और थोड़ी डस्टी स्किन है। उसके लिए भी हमें ना मतलब हम कुछ भी लगाएंगे अगर ऊपर से और 303 को बिगर अप्लाई करके लगाएंगे तो वो थोड़ी देर बाद ना ग्रे ग्रे टाइप का हो जाता है, तो ये उससे बचाएगा आपके मेकअप को। तो आपको हल्का हल्का उसी जगह पर यूज़ करना है जिस जगह पर आपकी कोई प्रॉब्लम है। तो मेरे पास इस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो अगर ये आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब नहीं मिल रहा है उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये ऑनलाइन भी बहुत कम मिल रहा है। और लिंक देखिए मैं उन्हीं चीज़ों के आप लोगों को दे सकती हूँ जो ऑनलाइन मिले। अब हालांकि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन वाले यूज़ करने स्टार्ट कर दिए हैं आप लोगों की वजह से ही, ताकि आप लोगों को मैं लिंक दे पाऊँ उनके, क्योंकि मेरा पार्लर का सारा सामान ना शॉप से आता था दिल्ली सदर बाज़ार से, तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि ऑनलाइन कभी मुझे कुछ ऐसा मेकअप से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट मंगाना पड़ा हो। बट अब मुझे आप लोगों की वजह से काफ़ी शॉपिंग करनी पड़ रही है, और मैं काफ़ी शॉपिंग कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि उसमें मुझे लिंक प्रोवाइड करने पड़ते हैं और काफ़ी लोगों को पता ही नहीं चलता है कहाँ मिलेगा सामान। मेरे पास काफ़ी कॉल आती रहती है कि मैम कहाँ मिलेगा सामान, तो देखिए उस चीज़ का मैं ध्यान में रखते हुए आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ ऑनलाइन काफ़ी चीज़ मंगाने की। तो इनमें से जितने काफ़ी सामान का ऑनलाइन मैं लिंक डाल दूंगी, जो मेरे पास लिंक है उनको मैं डाल दूंगी और आप इनको इजीली कर लेना। तो देखिए आप देख सकते हैं मैंने 303 लगाया, उसी से इनकी स्किन कितनी साफ साफ लगने लगी, यहाँ के खोलो कितनी साफ साफ लगने लगी, क्योंकि हमें हाई कवरेज नहीं करनी है, बहुत लाइट वाली कवरेज करनी है। तो देखिए इतनी अब हमने इनके ये लगा दिया है, अब उसके बाद हम इनके फाउंडेशन लगाएंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं इसमें मैंने एक फिटमी का फाउंडेशन लिया है, और ये है BBCC क्रीम VLCC की, और ये एक है लोरियल की। तो क्या होता है हम BBCC क्रीम से भी मेकअप कर सकते हैं अगर आपको फाउंडेशन चाहिए, तो मुझे फिटमी सबसे बेस्ट लगता है। और ये इनकी स्किन के हिसाब से टोन जो है इसकी, तो बहुत मतलब 2 टोन फेयर लिया है मैंने इनका, क्योंकि हमें और कुछ नहीं करना है इनके साथ। तो इनमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, CC क्रीम BB क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन हो तो फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ फिटमी का, और इसको लेके और मैं इनके हल्की हल्की सी कवरेज करूँगी अभी। तो देखिए आप देख सकते हैं मैंने ये थोड़ा सा ले लिया है, और अब मैं इनके पहले डॉट डॉट लगाऊंगी। हमेशा फाउंडेशन आपको अपनी टोन से थोड़ा फेयर की साइड में लेना है। अगर आप ओनली फॉर फाउंडेशन भी लगा के अगर कुछ कर रहे हैं तो आप अपनी कलर से थोड़ा सा फेयर लीजिए,
ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। क्या होता है हमें उसके बाद ज़्यादा चीज़ें हम लोग अगर यूज़ कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा दिखता है, और ख़ासतौर से ऐसा मेकअप जो मतलब बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए। तो उस तरीके से आप लोग देखिए कर सकते हैं। देखो बेटा बाहर आके, तो देखिए आप देख सकते हैं मैंने इनके फाउंडेशन बिल्कुल लगा लिया है, और अब आई थिंक मेरे हिसाब से इनके बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी और चीज़ की। तो हम लोग इनके अब कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे। तो जो मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ वो मैबलिन का कॉम्पैक्ट है, और मैंने इन्हीं के कलर शेड का लिया है। क्या होता है कभी भी हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो हम लोगों को अपने कलर शेड का ध्यान रखना चाहिए। आप देखिए ब्यूटी ब्लेंडर है, मैं ज़्यादातर चीज़ें ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ मेकअप करने में, तो मुझे वो ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हम लोग इनके कॉम्पैक्ट सेट कर देंगे, और आप अपनी कलर टोन का लीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ें आप लोगों को ही पता होंगी, वो मैं आपको यहाँ से नहीं बता सकती कि क्या होता है किसकी कलर टोन। बट जितनी भी जो भी हमारा कलर टोन है उससे हमें थोड़ा सा लाइटर लेना है जो भी ले रहे हैं। मतलब अगर आप फाउंडेशन ले रहे हैं तो भी अपनी टोन से थोड़ा सा लाइटर लीजिए, और अगर आप कॉम्पैक्ट ले रहे हैं उसको भी अपनी टोन से थोड़ा लाइटर लीजिए। अगर आप सेम अपनी कलर टोन का ले लेंगे तो वो थोड़ी देर बाद ना आपकी स्किन को डार्क दिखाने लगता है। लाइट शेड लेने से ये फ़ायदा है कि वो आपकी स्किन पे अगर थोड़ी देर बाद पेरिटेट होगा जब आपकी स्किन में, तो वो बिल्कुल भी आपको डार्क नहीं दिखाएगा, और बल्कि आप फेयर की साइड ही रहेंगे। तो ज़्यादा फेयर नहीं लेना है, बट दो टोन फेयर आप ले सकते हैं। तो देखिए देख सकते हैं इस टाइम आप इनके फेस पे कितना बढ़िया, इतनी कम सिंपल चीज़ों से भी कितना अच्छा ग्लो आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम हाईलाइटर लेंगे, और ये मैं शिवाना का हाईलाइटर ले रही हूँ, काफ़ी अच्छा हाईलाइटर होता है। देखिए मैं आपको इसके सबके लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो इस तरीके से हम लेंगे, आप देखिए इसमें डार्क और लाइट सारे शेड हैं, तो हम पिंक वाला जो शेड है ये वाली, इससे इनके हाईलाइट करेंगे। तो ब्लशर और हाईलाइटर दोनों का काम ये ही कर देगा, आपको ब्लशर या हाईलाइटर अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मैं देखिए ब्यूटी ब्लेंडर से ही कर रही हूँ, मैं कोई पाउडर वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो इनके हाईलाइटर के लिए हम इस तरीके से देखिए इनके हाईलाइटर पार्ट को बहुत कम कम करना है, क्योंकि कभी भी कोई देखिए देखने वाले आते हैं लड़की वाले, ज़्यादा मेकअप को देख के फिर वो उन लोगों को ही लगता है कि रियल तो ये लड़की लगी नहीं रही। तो जाहिर सी बात है हमें बहुत लाइटर करना है सब कुछ। तो इस तरीके से हम देखिए इस तरीके से हम इनके हाईलाइट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया, बहुत अच्छा हाईलाइटर होता है ये, बहुत ही पिगमेंटेड होता है, और अगर आपको कहीं भी ज़्यादा या कम लगे तो आप इसको आराम से मर्च कर सकते हैं, बहुत इजीली मर्च हो जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करता है, बहुत अच्छा हाईलाइटर होता है। तो देखिए ये है कलर बाल का ब्लशर, अगर आपको नीड लग रही है तो लगाइए, आपको नीड नहीं लग रही है तो नहीं लगाइए। बट मुझे नीड नहीं लग रही है, क्योंकि मैं नहीं चाह रही हूँ कि इनके ब्लशर वगैरह मैं लगाऊँ, क्योंकि क्या होता है जब कोई देखने के लिए आता है तो वैसे ही हमारे गाल जो है वो पिंकी पिंकी हो जाते हैं, तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट आप लगा सकते हैं, कलर बाल का है ये, काफ़ी अच्छा हाईलाइटर है, ब्लशर है ये। तो देखिए आप देख सकते हैं ये ADS का जेल लाइनर है, तो मैं इसका पाउडर वाला पार्ट ले रही हूँ, क्योंकि ये 2-in-1 जेल लाइनर है, तो आपको इसी तरीके से लेके रखना है। तो पाउडर वाला पार्ट ले रही हूँ मैं, और इनकी हल्की सी आईब्रो को थोड़ा सेट कर लेंगे। आपको नीड लगे तो सेट करिए, वैसे कर लेना चाहिए, क्योंकि ना आईब्रो अगर बहुत ज़्यादा लाइट दिखती है फेस पे तो थोड़ी नहीं अच्छी लगती। तो देखिए इस तरीके से हम लोग हाईलाइट कर लेंगे आईब्रो को, तो अच्छी से डिफाइंड हो जाती हैं जब, तो बहुत अच्छी लगने लगती हैं इतनी इस तरीके से। और फिर उसके बाद हम टिंटिन का हाईलाइट ये ले रहे हैं, आई शेडो पैलेट, ये बहुत अच्छा आई शेडो पैलेट है, और इसमें ना सारे शेड आप देख सकते हैं, इसमें सारे शेड बिल्कुल सिंपल वाले हैं जो आप लगा सकते हैं, और जो इनकी ड्रेस से भी मैच कर रहे हैं। तो मैं इतने ही सिंपल शेड के साथ इनके देखिए सबसे पहले हमें आईब्रो को एक थोड़ा सा क्या कहते हैं ग्लोसी वो करना है, ग्लिटरी करना है। तो मैं इनके ओनली फॉर हाईलाइटर की जगह पे इसको लगा रही हूँ, और मैं हाथ से ही लगा रही हूँ। अगर आप ब्रश यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से। और मैं इनको बहुत लाइट शेड लेके चल रही हूँ, ऑरेंज वाला, और बहुत हल्का हल्का सा वो मैं इनके लगाऊंगी, और इस तरीके से देखिए इस तरीके से। और साइड में हम लोग इनके हल्का सा ये ब्लैकी वाला स्मोकी वाला दे देंगे। तो ये मैं ग्रीन शेड के साथ में इसको अच्छे से मर्ज कर रही हूँ, बस आपको इससे ज़्यादा इनके साथ नहीं करना है। देखिए एक आईज पूरी मैंने इस टाइम तैयार कर दी, कितनी इजीली तैयार हो गई, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और इस तरीके से अगर आप आँखें बनाएंगे अच्छे से मर्ज करें, अगर आप मर्ज अच्छे से नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इनकी एक आँख कम्प्लीट कर दी, अब हम लाइनर लगाएंगे इस पर, तो अभी मैं दूसरी तैयार करती हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं इनकी आई शेडो मैंने लगा दिया है, और अब मैं स्ट्रेट वर्की का इनके
आई लव यू टू काजल लगा रही हूँ। अगर आप चाहेंगे तो काजल से ही इनकी आंखों को हम शेप दे देंगे, और चाहेंगे तो आप लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी स्ट्रेट वर्की का लाइनर है, लिक्विड लाइनर है, बहुत बढ़िया लाइनर है। तो देखिए मैं आपको दोनों तरीके से यूज़ करके दिखाती हूँ। तो क्या होता है, देखिए इसको हम बहुत पिगमेंटेड भी है, इसको हम चाहेंगे तो आउटलाइन को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लाइनर वाइनर लगा के भी क्या कहते हैं लगता है कि हमने बहुत मेकअप कर रखा है। तो देखिए इसको हम ऊपर भी लगा सकते हैं, वाटर लाइन पर भी लगा सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग चाहें उस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत पिगमेंटेड होता है और बिल्कुल स्मच प्रूफ होता है, बहुत अच्छे लाइनर हैं ये, काजल भी और लाइनर भी दोनों बहुत अच्छे हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये लगा दिया है, और अब इसको हल्का हल्का मैं मर्ज कर दूंगी। तो अभी मैं दूसरी साइड भी लगा लेती हूँ, और देखिए इसी को मैं इनके अंदर भी भर दूंगी, क्योंकि ये वाटर लाइन के लिए ही होता है। और इस तरीके से कर देंगे, और ज़्यादा आँखों पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा आँखों पर हम लोग काम करते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा ओवर ओवर लगता है। तो देखिए इस तरीके से हम दोनों साइड में इसको कर देंगे। और अब अगर हमें लाइनर लगाना हो तो हम इसके ऊपर से ही लाइनर लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अब हम इसके ऊपर से लाइनर नहीं लगा सकते। तो इसका काफ़ी अच्छा एप्लीकेटर होता है, देखिए इसके ऊपर से हम लोग लाइनर भी लगा सकते हैं, और चाहें तो हम इतने पे भी इसको इनफ कर सकते हैं। तो वो दोनों चीज़ें आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से चाह रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं काजल लगाना मतलब लाइनर लगाना तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं चाह रहे हैं तो नहीं लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा होता है। देखिए आप देख सकते हैं इनका ऑलमोस्ट मेकअप डन है, अब इनके सिर्फ हमें लिपस्टिक लगानी है। तो अगर आप चाहें तो देखिए ये NYV का लिप क्रियोन है, लाइट शेड है, बहुत पिंक वाला, ये भी लगा सकते हैं। चाहें तो आप लिपस्टिक लगा सकते हैं, ये स्टेट वर्की की है, और शेड नंबर है इसका 1, बहुत अच्छा शेड है। तो अगर चाह रहे हैं तो आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है। इनके लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो देखिए आप दोनों में से हम कुछ भी लगा सकते हैं। तो मुझे लिपस्टिक लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। इसका एप्लीकेटर भी बहुत अच्छा होता है और बहुत इजीली लग जाती है, और हमें क्योंकि देखने दिखाने में बहुत लाइट शेड ही चाहिए होते हैं, ज़्यादा हैवी शेड के ऊपर हमें नहीं जाना है, डार्क शेड के ऊपर नहीं जाना है बिल्कुल भी, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने हैवी भी नहीं रखा है मेकअप। बट ये बिल्कुल सटल मेकअप है, ऐसे मेकअप के साथ अगर आप किसी का भी देखना दिखाना करेंगे तो बिल्कुल भी किसी को ये नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा लड़की पोतापाती करके हमारे सामने आ गई, या पार्लर से तैयार हुई है, या क्या। ये तो आप घर पे भी कर सकते हैं, बहुत इजी होता है करना। तो देखिए आप देख सकते हैं इनका मेकअप ऑलमोस्ट डन है, तो दिखाते हैं आपको अभी हम। तो देखिए आप देख सकते हैं इनका ऑलमोस्ट डन है मेकअप, और आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लोज करके भी मैं आपको दिखा रही हूँ, कहीं कुछ भी ज़्यादा नहीं है। और इवन मैंने मस्कारा तक भी यूज़ नहीं किया है, और आप कर सकते हैं, ऑप्शनल है। तो मैं मस्कारा देखिए आपको यूज़ करके दिखाती हूँ अभी इनकी आंखों पे। तो देखिए अब मैं ये मैक का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा मस्कारा होता है ये, आपने मेरे और भी मेकअप पे देखा होगा। तो आप मस्कारा यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है। देखिए ज़्यादा पोतापाती नहीं करनी चाहिए, जब भी हम देखने में कर रहे हैं अपनी लड़की को, तो हमें ज़्यादा पोतापाती नहीं करनी है बिल्कुल भी, ओवर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ओवर लगता है तो जो साथ में आते हैं देखने देखने के लिए, देखिए वो लोग भी, उन लोगों को भी ये लगता है कि बहुत ज़्यादा पार्लर पे तैयार हुई है क्या। तो आप देख सकते हैं ये कितनी क्यूट लग रही हैं, और इनको खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है अच्छा। चलिए तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हैं, बहुत सिंपल सोबर में हमने ये कितनी ईजिली तैयार कर दी। और आप फाउंडेशन की जगह BB क्रीम, CC क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। नीचे करो आके बताइए, पार्लर हमारा यूपी में है।